और पूरन पूछ रहा है भाई साहब ये क्या तरीका कहा रहे, घर में घुस के हमें हराए जा रहे हो, हराए जा रहे हो, मेरी मेरी कप्तानी का बेड़ा गर्क किया जा रहे हो। कहती धो डाला, सही धोया नहीं है, धो डाला, भिगो डाला, और ऐसा भिगो भिगो के पूछा है कि आप खेलोगे हमारे साथ। वंस अगर कोई पार्टनरशिप बन जाए, उनकी एक पार्टनरशिप सेट हो जाए और हाथ खुल जाए, तो उसके बाद रोकना वेस्ट इंडीज को बहुत मुश्किल होता है, मगर हाथ खुलने ही नहीं दिया। अर्शदीप, आई वुड टोटली अग्री, अर्शदीप बोलिंग इज अ ट्रीट टू वॉच। जिस तरह अर्शदीप बोलिंग करते हैं, द काइंड ऑफ वर्सेटिलिटी दैट ही हैज, वेस्ट इंडीज को आरके इंसान नहीं समझा दिनेश कार्तिक ने, इस तरह से मारा है, इस तरह से मारा है, इस तरह से धोया है। मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ, बेसिकली जो इनको बैम्बूजल किया है ना, यानी डंडा दिया है, वो दिया दिनेश कार्तिक ने। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया बात हो रही है भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए पहले T20 मैच के बारे में। दोस्तों पहले T20 मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 68 रनों से हरा दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में भी टीम इंडिया की जबरदस्त तारीफ की जा रही है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इसमें भारतीय टीम काफ़ी खतरनाक नजर आ रही है, पहले इंग्लैंड को इंग्लैंड में घुस के हराया और वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज के घर में घुस के हरा रही है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया का जबरदस्त रिएक्शन। भाईजान अर्शदीप कमाल कर दिया, और अश्विन को भी आप उतने ही क्रेडिट दें, कमाल की बॉलिंग। वो हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पे चला गया, कह रहा सबको विकटे दिए, मेरा क्या कसूर था, मैं क्या कीता, मेरा क्या कसूर सी। और पूरन पूछ रहा है भाई जान ये क्या तरीका कहा रहा है, घर में घुस के हमें हराए जा रहे हो, हराए जा रहे हो, मेरी मेरी कप्तानी का बेड़ा गर्क किया जा रहे हो। ये आप क्या कह रहे हैं, कौन सी विक्ट्री है? वन साइडेड, वन साइडेड। ये भाई जान अगर आप मोहम्मद यूसुफ को समझाए ना, और बाबर आजम को, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि इसे डोमिनेटिंग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बॉलर्स डोमिनेटिंग। अर्शदीप 24 रन, दो भुवनेश्वर कुमार दो ओवर, और बैटर बैट्समैन भी सर दोनों ही डोमिनेट। बैटिंग में तो हमने पहली इनिंग में बात कर ली ना, इस वक्त बात होती है बॉलिंग की। हाँ जी, हाँ जी, बॉलिंग। भाई जान आपने तो 190 कर लिया, उसको डिफेंड जो किया देखे ना, शुरू में अच्छा स्टार्ट दिया मायर्स और उसने ब्रुक्स ने, एक ने सही लिखा जी, धो डाला, सही, सही धोया नहीं है, धो डाला, भिगो डाला, भिगो, और ऐसा भिगो भिगो के भिगो भिगो के पूछा है कि आप खेलोगे हमारे साथ। अर्शदीप ये माने या ना माने, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था, फिर कह रहा हूं, ही इज देयर टू स्टे, ये परफॉर्मेंस चाहिए। वेस्ट इंडीज को आरके इंसान नहीं समझा दिनेश कार्तिक ने, इस तरह से मारा है, इस तरह से मारा है, इस तरह से धोया है। मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ, बेसिकली जो इनको बैम्बूजल किया है ना, यानी डंडा दिया है, वो दिया दिनेश कार्तिक ने। रोहित शर्मा बड़ा अच्छा साइन है, बड़ा बेहतरीन साइन है टीम इंडिया के लिए, फ्यूचरिस्टिक होके देखें। और दिनेश कार्तिक जो अपने करियर की सबसे अजीम फॉर्म एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से ये 19 गेंदों पे 40 प्लस रन किया है, तो उन्होंने सिर्फ वेस्ट इंडीज के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। देखे यार ये हो गई रिवायती कहानी अब तो, मतलब ऐसा लगता है कि रॉबिन हुड जो है वो आपके पास दिनेश कार्तिक ही रह गया, बाकी तो कोई आपको लकी स्केप देगा नहीं, बच गया, बचा लिया मैच उसने, उस पर तो बात ही ना करे, हर जगह क्या उसी ने खड़ा। कार्तिक की वजह से देखिए आपको लग ही रहा होगा वेस्ट इंडीज कंप्रिहेंसिव हार गए, लेकिन दिनेश कार्तिक ने रन इतने कर दिए कि वेस्ट इंडीज ज्यादा से ज्यादा 160-170 सोच रही थी, उन्होंने कभी इतने रन कौन बनाए। इट्स अबाउट एब्सोल्यूट कंट्रोल, स्विंग, चार्म, प्रेशर हैंडलिंग, ये सब किसमें, मैंने नहीं देखा 5 साल में कोई ऐसा बोलर कि उसका ऐसा धमाकेदार डेब्यू हुआ T20 में। अब तक जितने मौके उस लड़के को दिए गए हैं, हर्षदीप सिंह को, उसने अपनी कंसिस्टेंसी तो प्रूफ कर दी है कि भाई मेरे पास जो एक स्टैंडर्ड है बोलिंग का, वो आप किसी भी फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं, मुझे आप, मैं आपको आपके स्टैंडर्ड पे पूरा मिलूंगा।